हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल वासिफ जुफीशा ऑफिशियल। तो हम लोग घर से निकलकर फाइनली हॉस्पिटल में आ गए हैं। अभी हम लोग हॉस्पिटल में हैं क्योंकि रात से ही रुफी के थोड़े थोड़े से पेन्स हो रहे थे, तो सुबह अचानक वो बढ़ गए, तो अब हम उन्हें हॉस्पिटल ले आए हैं। अब बस दुआ करें कि सब कुछ ठीक हो जाए। इस वक्त आप सभी की दुआओं की ज़रूरत है, लेकिन जब तक आप ये वीडियो देखोगे तब तक तो शायद डिलीवरी हो भी जाएगी, क्योंकि मैं बाद में डालूंगा ये वीडियो जैसे मौका मिलेगा एडिटिंग करने का, उसके बाद ही। और आवाज़ मेरी बहुत कम आ रही होगी, तो प्लीज़ उसके लिए माफ़ी। हॉस्पिटल में है इस वजह से हल्के बोल रहा हूँ, बाकी बहुत घबराहट मुझे हो रही है, बाकी पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, तो सब ठीक हो, थोड़ी देर में मिलता हूँ आपसे। तो दोस्तों, आज ना इतना ज़्यादा मसला, इतना ज़्यादा होश होश हो चुका है। सुबह से कंटिन्यूसली बारिश हो रही है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। और हमारे साथ धप्पा यह हुआ कि हम अपनी गाड़ी निकालने गए और गाड़ी की हो गई थी बैटरी डाउन, तो बहुत मुश्किल से जद्दोजहद तिकड़म लगाने के बाद जूफी को बड़ी ही मुश्किल से हॉस्पिटल में लेकर आए हैं। और मेरे सामने हैं अभी, डिस्टर्ब नहीं करने का, कोई बातचीत नहीं करने का, बड़े मुश्किल से डॉक्टर ने अंदर आने दिया है, आने नहीं दे रही है डॉक्टर। अब क्या करें भाई, छक्के वड्डे हिम्मत है मर्दा, मदद खुदा, कुछ नहीं होने का, नॉर्मल होगा सब इंशाल्लाह। सबके, जब से मैंने स्टोरी लगाई है सबके इतने मैसेज आ रहे हैं बैक टू बैक डीएम पे, बैक टू बैक, हर मिनट के अंदर एक मैसेज आ रहा है सब ठीक होगा, सब दुआएं कर रहे हैं, इंशाल्लाह सब सही होगा। आप लोग भी पूछ रहे थे, कल से ही मैसेज आ रहे हैं कि यार 18 तारीख है, आज आपकी ड्यू डेट है, तो आप लोग बताओ कहाँ गए कहाँ नहीं गए, हॉस्पिटल में हैं या नहीं हैं। तो जी, 18 तारीख को तो हम नहीं गए, लेकिन 19 तारीख को हम लोग हॉस्पिटल में हैं। अब अपडेट यही है कि हम लोग आ चुके हैं, और दूसरा ये कि अभी जो है वेट किया जा रहा है, क्योंकि दूसरी अभी लेबर पेन में है। तो हमने डॉक्टर से बात करी तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं पहले नॉर्मल के लिए वेट करती हूँ, अगर सब कुछ ठीक रहा तो इंशाल्लाह नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, बाकी सब अल्लाह के ऊपर है कि क्या होता है क्या नहीं होता। बस अब थोड़ी सी वो दवाइयाँ वगैरह इंड्यूस करी हैं, तो डॉक्टर ने वेट करने के लिए बोला है। हम लोग 12 बजे आए थे यहाँ पे, आई थिंक 12:30 या 1 बजे आए थे हम लोग, और अब मेरे ख्याल से 3:30-4 हो रहे हैं, तो 2-2.5 घंटे का वक्त भी गुजर चुका है। बस धक 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 हो रही है, अल्लाह करे सब कुछ आसानी से हो जाए, दूसरे की डिलीवरी हो जाए आसानी से, हो जाए नॉर्मल तरीके से, हो जाए जो भी उसको तकलीफ़ है वो दूर हो जाए, यही दुआ है। तो यहाँ पे हमारी गाड़ी की बैटरी चेंज की जा रही है जो कि ख़राब हो गई थी, और कंपनी से बुलाया बंदे को, तो नई बैटरी यहाँ पे इंस्टॉल हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये एक ही बार में
हो गया रहा था, बैटरी डाउन होने की वजह से डेड हो गई थी, तो कभी तो स्टार्ट हो रही थी कभी नहीं हो रही थी, और अब नई बैटरी लगवाई है। बहुत बढ़िया। टेलीफोन आ गया, किसको आ गया? तो दोस्तों, अब ये अपडेट है कि जूफी को ले गए हैं ओटी में, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी अब पॉसिबल नहीं हो पा रही है। और जब हम लोग घर से हॉस्पिटल के लिए निकले थे, तब हम माहिरा को लेके नहीं आए थे, क्योंकि माहिरा की भी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है और बारिश भी बहुत हो रही थी। तो बारिश रुकी है तो मैंने अम्मी को भेजा है घर, वो तो माहिरा को लेने गई हैं। और बस थोड़ा सा मूड जो है ना, थोड़ा सा मूड ख़राब हो गया, दिल थोड़ा सा। बाकी की चीज़ें आपको पता चलेंगी हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, कि बेबी गर्ल हुआ है या बेबी बॉय हुआ है। इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं, बाकी का ब्लॉग आपको देखने को मिलेगा अगला जब ब्लॉग आएगा तब, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बेबी के बारे में हम बताएँ जब किसी भी हो फ्रेम के अंदर, कि बेबी गर्ल हुई है या बेबी बॉय हुआ है। तो बस आप लोग इसी तरह सपोर्ट ना देते रहो, प्यार देते रहो, और जल्दी से मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। इस ब्लॉग के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।